ध्यान दे रहे के खुतबे के लिए मैंने कुरान करीम की दो दो आयात मुख्तलिफ सूरतों से अख्स की हैं और उन्हीं को इस खुतबे का उन्वान बनाया है। ये पहली दो आयात जिनकी मैंने तिलावत की है सूरह अल अहज़ाब की आयत 71वीं और 72वीं हैं। दूसरी दो आयात मैंने सूरह अल बकरा से चुनी हैं 45 और 46 जो इस तरह हैं अतामरून नासा बिल बिर व तनसौन अनफुसकुम
क्या तुम लोगों को तो नेकी की तालीम देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? वांतुम तत्लून किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। अफलात आखिलून, क्या तुम अकल नहीं करते? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और सब्र और सलात के जरिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और ये बहुत बड़ी बात है मगर उन लोगों के लिए जो खाक बसर हों, जो मिजाजन मिट्टी से मिले रहें। ये दो आयात हैं जिनको मैं एक दूसरे के बाद खुतबे के मौजू का मौजू बनाऊंगा। पहली आयत का तर्जमा ये है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ये तिलावत, ये आयत अक्सर निकाह के मौके पर तिलावत की जाती हैं। ये दोनों आयत निकाह के मौके पर तिलावत की जाती हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और सीधी बात कहो। सीधी बात के मुतालिक मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि सीधी बात सच्ची बात से ज़्यादा आला दर्जे की बात है। सच्ची बात के नतीजे में भी बाज़ दफ़ा गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। सीधी बात करने का आदि पूरी कोशिश करता है बात इस तरह करे कि सच्ची भी हो और उससे कोई गलत फहमी भी पैदा ना हो, जो उसके दिल का मंशा है वो पूरी तरह खुल कर ज़ाहिर हो जाए। युसलह लकुम आमालकुम, क्योंकि सीधी बात से इस्लाह आमाल का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक बात तुम करो, दूसरी बात अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली। युसलह लकुम आमालकुम, अगर सीधी बात को शेवा बनाओगे तो वो ज़रूर तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। वह यकफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह जो इससे पहले सरज़द हो गए उनको माफ़ फरमा देगा। वमन युतअ अल्लाह व रसूलहू, और जो भी अल्लाह और रसूल की अतात करे, उसके रसूल की अतात करे, बस उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यानी ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, अतात रसूल की तौफीक मिलती चली जाएगी, और जूं जूं तुम अतात करोगे साथ साथ तुम नेकी में तरक्की करते चले जाओगे, यहाँ तक कि इसका कोई मुंतहा आखिरी नहीं, सवाए इसके कि जब तुम्हें मौत आएगी तो तुम एक कामयाबी की हालत में मर रहे होगे, बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हें नसीब होगी। इन आयात से मुतल्लिक पहले मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करता हूँ जो मेरे नज़दीक इन आयात से गहरा ताल्लुक रखती है। मुसनद अहमद बिन हम्बल से हदीस ली गई है। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं अभी बच्चा ही था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर पर तशरीफ़ लाए। मैं खेलने कूदने के लिए घर से बाहर जाने लगा तो मेरी वालिदा ने कहा, ऐ अब्दुल्ला जल्दी घर चले आना, मैं तुझे कुछ दूंगी। इस लालच में कि मुझे कुछ मिलेगा, उनका ख्याल था कि ये खेल कूद में दिल लगाने की बजाय दिमाग घर की तरफ रखेगा और जितनी जल्दी इसको तौफीक मिलेगी वापस आ जाएगा। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसे क्या देने का इरादा किया है? उन्होंने जवाब दिया, खजूरें देना चाहती हूँ। आपने फरमाया, अगर तूने ऐसा ना किया तो ये तेरा झूठ शुमार होगा। बस कौले सदीद का तजर्बा घरों से शुरू होना चाहिए। तमाम वो औलादें जो रफ्ता रफ्ता बिगड़ कर दूर चली जाया करती हैं, बचपन में उनसे कौले शदीद से काम नहीं लिया जाता।
बारहा मैंने माओं को तवज्जो दिलाई है और अब फिर मैं दोबारा मुतवज्जे करता हूँ। बाप भी मुखातब हैं मगर बिलमूम माएँ जिनका रोज़मर्रा बच्चों से वास्ता होता है। अक्सर वो बच्चों को गले से उतारने के लिए कोई झूठा वादा कर देती हैं और जब वो पूरा नहीं करती तो ये कौले शदीद के ख़िलाफ़ है और कौले शदीद के ना होने के नतीजे में इस्लाह हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह ताला ने इस्लाह का वादा कौले शदीद से वाबस्ता फरमा दिया तो जाहिर है कि कौले शदीद नहीं होगा तो इस्लाह नहीं होगी। ये दो बातें कौले शदीद और इस्लाह लाजिम मुलजूम है, अगर एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। और ये नुक्ता अक्सर लोग अपने बच्चों की तरबियत में भुला देते हैं। बच्चों से जो बात कहो साफ और सीधी कहो, उसके नतीजे में वो हमेशा अव्वल तो तुम्हारी ज़्यादा तौखीर करेंगे, क्योंकि जो शख्स अपने वादे का पक्का हो और साफ खरी बात कहने वाला हो हमेशा उसके लिए दिलों में इज्जत पैदा होती है। ये भी एक ऐसा तभी नतीजा है जिसे नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खरी बात करने वाले थे। अगर खरी बात के नतीजे में लोग दूर भाग रहे होते तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द तो कोई भी ना रहता। असल में आपका लोगों के ऊपर रहमत और शफकत का सलूक एक अलग मसला है, उसने भी लोगों को खींचे रखा। मगर ये बात लोग नज़रअंदाज ना करें कि खरी बात कहने से भी इज्जत बढ़ती है और जो बात हमेशा खरी कहने वाला हो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नसीहत से मुनाफरत नहीं पैदा होती बल्कि दिन ब दिन उसका इज्जत और एहतराम का जज्बा दिल में बढ़ता चला जाता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरी बात कहने में जाहिर है दुनिया में तमाम पहलों और अगलों से सबकत ले गए और सबसे ज़्यादा आपकी तौखीर की गई। बहुत गहरी तौखीर है जो सहाबा के दिल में भी थी, बल्कि दुश्मन भी आपकी खरी बात की कदर करता था। जो अबू जहल वाला वाकया सबके सामने है, उसमें भी आपने जाकर जबकि शदीद मुखालिफ था खरी बात कही और उसके दिल में उस खरी बात का रोब पड़ गया। जब भी कोई गैर आपकी बात सुनता था जानता था कि सच्ची बात है और उसके दिल नतीजे में मुनाफरत की बजाय इज्जत बढ़ा करती थी। बस अपने घरों में ये तजुर्बा तो करके देखो, अपने बच्चों से खरी बात कहो और देखो कि उनके लिए उनके दिलों में दिन ब दिन उम्र के साथ साथ तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर औलाद हाथ से जाती रहेगी। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई अपने बच्चों से ये धोखे की बातें करता हो और बच्चे फिर उनकी कोई इज्जत करते रहें। या आज़ाद होने के बाद दीन से और दुनिया हर लिहाज से उनके असर से बाहर ना निकल जाए। जब उनको तौफीक मिलती है वो बड़े होकर अपने माँ बाप के दायरे असर से बाहर निकल जाते हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू पर एक तीन बातें ऐसी बयान की जो मुनाफिक की निशानी हैं, उनमें से एक वही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया मुनाफिक वो है जो जब कोई वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो सबसे पहले तो बच्चों से वादा करो तो उसमें वादा खिलाफी ना करो, जो बच्चों से वादा खिलाफी करेगा वो बाहर भी वादा खिलाफी करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे जो अपने सबसे ज़्यादा प्यारे हों और अजीज़ हों उनसे तो आदमी वादा खिलाफी करता रहे और बात बाहर के वादे पूरे करे, ये नामुमकिन है, फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ है।
हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की ये इलामतें बयान फरमाई हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई शख्स होशमंद जानते बूझते हुए मुनाफिकत की राह अपने लिए पसंद करे। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मौजू पर जो कुछ फरमाया है, मेरा ख्याल है कि मैं उस हिस्से को पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन अपनी याददाश्त के मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना अमल इस बारे में बयान कर देता हूँ आपसे। बहुत से वाक़यात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसे गुजरे हैं कि एक शख्स जो बैरूनी नज़र से उनको देखे वो समझेगा कि ये अल्लाह का कैसा नबी है जो इतनी छोटी छोटी बातों में मुब्तला रहता है। एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जेब में रोड़े भरे हुए थे। अब मुल्ला और बदबख्त लोग हंसेंगे और कह के लगाएंगे कि ये नबी बना हुआ है, जेब में रोड़े हैं। वो इसलिए थे कि एक बच्चे से जो रोड़ों से खेलता और शोर मचा रहा था, आपने कहा ये रोड़े मुझे दे दो और बाहर जाके खेलो, जब वापस आओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो रोड़े जेब में डाल लिए ताकि उनमें से कोई भी ज़ाया ना हो। जब वो बच्चा वापस आया तो वो रोड़े उसके सुपुर्द कर दिए। अब देखने में एक बहुत छोटी बात है, मगर छोटी बातों ही से अजीम बातें पैदा हो करती। अगर किसी को इतना ख्याल है अपने बच्चे से सच्चा वादा करने का कि उसके रोड़े तक संभाले फिरता है, तो अंदाज़ा करें कि बाहर की दुनिया में उसका क्या हाल होगा। हज़रत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सच्चाई की बेशुमार दलीलें हैं, मगर ये एक दलील भी होशमंद के लिए काफ़ी होनी चाहिए, जो वादों का इतना सच्चा हो वो खुदा ताला की पेशगोइयां बयान करने और दुनिया से वादे करने में कितना सच्चा नहीं होगा। बस इसी को अपना वतीरा बनाएं और अपने बच्चों को खाम खा झूठे ला रहना दिया करें। अपने घर में मैंने बचपन से अल्लाह ताला के फजल से इस बात की ताकीद रखी। माओं की आदत होती है, मेरी बेगम और रूहमा भी बेख्याली में लोग समझते नहीं कि झूठ है, बेख्याली में बच्चों से वादा कर दिया करती थी कि तुम्हें मैं ये दे दूंगी, फलां चीज़ दे दूंगी, और जब भी मुझे पता चलता मैं वो चीज़ ज़रूर हासिल कर लिया करता था। ये भी एक समझाने का तरीक़ा था, बजाय इसके कि उनको कहूँ कि आपने झूठ बोल रहा है, सख्ती करता, उनको समझाने का ये तरीक़ था कि वो चीज़ हासिल करके मुहैया कर देता था ताकि जब बच्चे वापस आएँ तो उनके लिए मौजूद हो। तो तरबियत के मुख्तलिफ रंग ढंग होते हैं। सच्ची बात करने में ज़रूरी नहीं कि वो कड़वी बात भी हो, सच्ची बात कहने के अंदाज अलग अलग हैं। जब सच्ची बात करनी ही पड़े तो ख्वा वो कड़ी लगे किसी को, वो ज़रूर करनी है। लेकिन अगर आप ये पसंद करते हो कि इस बात का कोई ऐसा तकलीफ दे असर न पड़े तो ये मुमकिन है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बारहा इसको आजमाया है और अल्लाह ताला के फजल से कभी सारी उम्र अपने बच्चों से कोई वादा नहीं किया जिसको मैं पूरा न कर सकता हूँ। उसके नतीजे में मैं खुश हूँ, मेरे बाद अल्लाह इसी हाल पर उनको कायम रखे। मेरी दुआ है आप भी अपने बच्चों के लिए ही दुआ किया करें, और जब ये दुआ करेंगे तो उस अमल के बाद होनी चाहिए जो इस दुआ के मुताबिक हो, वरना वही मुनाफ़क़त वाली बात आ जाएगी। तो आपके लिए भी बच्चों की खातिर दिल में ऐसा दर्द होना चाहिए
जो अल्लाह के फजल के साथ हमेशा मैंने महसूस किया, और मैं जानता हूँ कि अल्लाह इस दर्द को कभी ज़ाया नहीं करता, तवक्को से बढ़कर फल लगाता है। तो अपने घरों में तजर्बा तो करके देखें, कितना आसान तजर्बा है। बच्चों से प्यार हुआ करता है, उनके हक में ये बातें करनी हैं, इसमें कौन सी मुश्किल है। लेकिन जो मुश्किल है वो ये कि सर से टालने की कोशिश ना करें बच्चों को। जब भी टालेंगे हमेशा के लिए वो टाल जाएंगे, फिर आपको उनकी नेकी देखना नसीब नहीं होगी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात में से, जैसे कि मैंने अर्ज किया है, बहुत बड़े वाक़यात हैं। और हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी ने वो वाक़यात बड़े बयान किए हुए हैं, और भी बहुत से सहाबा ने वाक़यात बयान किए हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि छोटा सा कोई वादा किया है और फिर उसको वो भूले नहीं। एक दफ़ा एक सहाबी, जो गालिबन हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब ही थे, सोए हुए थे और उनकी आँख खुली तो देखा चरपाई के नीचे फर्श पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। वो घबरा के उठे कि हैं आप यहाँ लेटे हुए? आपने फरमाया, नहीं घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ अपने बच्चों के शोर से। बच्चों को मैंने बाहर भगा दिया था और कहा था खबरदार जो इधर आए मैं यहाँ होऊंगा। इस यकीन पर कि मैं यहाँ होऊंगा, वो आपको तंग नहीं कर रहा है। अगर ये बात मेरी नाउज़ुबिल्लाह झूठी बात निकलती नहीं थी आपकी, हमने अगर मेरी ये बात गलत थी, कोई झांक के देख लेता कि मैं यहाँ हूँ नहीं, तो उस पर क्या बद असर पड़ता? एक तो आपकी नींद ख़राब होती, दूसरा उसकी तरबियत बिगड़ जाती। इतना बारीक ख्याल था सच्ची साफ और खरी बात करने का कि आप गिर्दो पेश नज़र डाल कर देख लें, आपको कोई दूसरा इंसान इस बारीकी के साथ अपनी बातों पर की हिफाजत करने वाला नहीं मिलेगा। ये वो शख्स है जिसको लोग झूठा भी कहते हैं। उनकी अपनी बदनसीबी है, वो जब मरेंगे तो अल्लाह उनसे जो सलूक चाहे फरमाए, लेकिन एक बाशऊर इंसान जो गहराई की नज़र से किसी के सच का मुतालिया करना चाहता है, उसे बड़ी बातों की बजाय रोज़मर्रा की छोटी बातों में उसका मुतालिया करना चाहिए। बड़ी बातों में झूठ बोला जाता है, बड़े बड़े दावे में बड़े झूठ बोले जाते हैं, और इंसान समझता है कि मैं इन झूठों के साथ दुनिया में इज्जत और तौकीर पा जाऊंगा। लेकिन छोटे मामलात में, घर में, हर रोज़ की छोटी छोटी ज़िंदगी की बातों में झूठ ना बोलना बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत कड़ी आजमाइश है। इस आजमाइश पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बढ़कर कभी आप कोई आदमी नहीं देखेंगे जो इस तरह पूरा उतरा। और आपको अपने घरों में ये दस्तूर बनाना चाहिए, अंदर की आजमाइश को संभाल लें, बाहर अल्लाह ताला आपके वजूद को साफ सुथरा और पाकीज़ा वजूद के तौर पर दुनिया के सामने ज़ाहिर फरमाएगा, फिर आपके बड़े दावे भी कबूल किए जाएंगे। लेकिन फितरत में ये दुरंगी नहीं होनी चाहिए, ये दुरंगी है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अब इस ज़मन में ये बाज जो बातें जो नोट्स में रह गए उनके नतीजे में खुतबा छोटा भी हो तो हर्ज नहीं, क्योंकि इन आयात में जो आइंदा में ताम्रुन नासा बिल बिरदे से मुतलिक जो मैं बातें कहना चाहता हूँ, उसमें भी मज़मून काफ़ी अहम और वसी है।
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अतामुरुन नास बिलबिर्र व तनसौन अनफुसकुम की आयत की तशरीह में फरमाते हैं, हकीकत में इस अमर की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इंसान का कौल और फेल बाहम एक मुताबिकत रखते हों। अगर उनमें मुताबिकत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, अतामुरून नास बिलबिर्र व तनसौन अनफुसक, यानी तुम लोगों को तो नेकी का अमर करते हो मगर अपने आप को इस अमर नेकी का मुखातिब नहीं बनाते बल्कि भूल जाते हो। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है और मैं उसी से बात शुरू करता हूँ कि हज़रत मुस्लिम माऊद ने जो तफसीर सवील में तर्जमा पेश फरमाया है उसमें इस पहले हिस्से को यहूद के मुतल्लिक और साबका कौमों के मुतल्लिक बयान फरमाया है, अतामरून नास बिलबिर्र व तनसौन अनफुसकुम वअंतुम तक्तून किताब, और अल किताब का तर्जमा वो तौरात या पहली कुतुब मुकद्दसा ली है, तर्जमा वो किया है तौरात का या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं पहली कुतुब मुकद्दसा मुराद ली है। इसकी वजह ये हुस्न ज़न्नी है। ये कैसे हो सकता है कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुखातब करके अल्लाह ताला फरमाए कि क्या तुम नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्स को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब की तलावत करते हो। अमर वाक़िया यह है कि यहूद ऐसा किया करते थे, इसलिए भी हज़रत मुस्लिम माऊद का ख्याल उधर गया। लेकिन अगली आयत, इस आयत का अगला हिस्सा यानी अगली आयत साफ बता रही है कि उम्मत मुस्लिमा ही मुराद है, क्योंकि पहलों को हुक्म देते हुए इसके नतीजे में अल्लाह ताला ये नहीं फरमा सकता था वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। अगर पहली आयत में पहली कौमों का जिक्र होता तो उनको उसके उनकी खराबी की तरफ मुतवज्जे करके मान ये कैसे कहा जा सकता था कि ऐ गुजरी हुई कौमों वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। तो मेरे नज़दीक लाजिमन यहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम मुराद हैं, और अतामरुन नास बिलबिर्र में ये मुराद नहीं है कि तुम ऐसा करते हो, मुराद ये है कि तुम्हारे सुपुर्द ये काम किया गया है। तुम तो उम्मतों की इस्लाह के लिए उनको बुराइयों से रोकने के लिए निकाले गए हो, क्या ऐसा करोगे? नहीं, आ का जो सवाल है ये इन मानों में आता है कि क्या तुम ये करोगे कि उम्मत लोगों को तो नेकी की नसीहत कर रहे हो और अपने आप को भूल जाओ। हरगिज़ ऐसा नहीं करना। वान तुम तस्लून अल किताब, तुम अल किताब यानी कुरान करीम का मुताला करने वाली कौम हो, तुमसे हरगिज़ ये तवक्को नहीं। अफलात आखिल हो, बस क्या तुम अकल नहीं करोगे, क्या तुम अकल नहीं करते? तो ये सवाल है एक इहतमाल के बयान के तौर पर जिसे रद्द करना मकसूद है, और अगली आयत बैन ही इसके मुताबिक है कि जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है बनी नौ इंसान की इस्लाह, उनको नेकी का हुक्म देना और अपने आप को उन नेकियों पर कायम रखना, ये अल्लाह ताला के फजल के सवाब मुमकिन है। इसके लिए लाजिम है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से सब्र और सलात के जरिए मदद मांगो। अस्सलात का माना दुआ भी है और अस्सलात का माना रोज़मर्रा की नमाज जो हम पढ़ते हैं वो भी है, तो दोनों माने इसमें आ जाएंगे। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, लाजिम है कि नमाज की बाकायदगी इख्तियार करो और नमाजों में भी अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहो कि तुम कभी दोगले न बनो, खुदा की नज़र में तुम मुनाफिक न ठहरो, और सब्र के साथ
और आम चलते फिरते दुआओं के साथ खुदा से मदद मांगते रहो। लेकिन ये बात इन्नमा लकबीरतुन इल्ला अल-खाशीन, मगर ये बात बहुत भारी है लोगों पर। बड़ा लंबक सबर की तलकीन में अल्लाह से मदद मांगना ये भी भारी है। अब जिस चीज़ के लिए मदद मांग रहे हैं वो चीज़ ही भारी हो जाए तो कैसे तौफीक मिलेगी। तो दरअसल जो मदद मांगी जा रही है उसमें ये तौफीक भी शामिल है कि हमें ये मदद मांगने की भी तौफीक अता फरमा। लेकिन एक शर्त रख दी है, वो लाजिम है। ये बहुत बोझल होगा ये हुक्म, मगर उन लोगों के लिए जो खाक बसर हों, जिनका नफ्स मारा हुआ, जो ज़मीन पर बिछे रहने वाले लोग हों, उनके लिए मामला बोझल नहीं होगा। इसलिए बोझल नहीं होगा कि जो ज़मीन पर बैठा है उसने तो भीख मांगनी है और क्या करेगा। अब अक्सर फकीर जो हैं उनको आप देखेंगे ज़मीन पर बैठे होते हैं, क्योंकि ज़मीन पर बैठना एक आजजी की अलामत भी है और एहतियाज को साबित करती है। जो ज़मीन पर बैठा होगा उसने हाथ फैलाने ही हैं। तो जिसको खुदा ताला ये तौफीक दे कि वो खाक बसर हो जाए, उसके लिए मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह से मदद मांगे, और खाक कितने मुश्किल काम पर अल्लाह की मदद तलब कर रहा हो, अल्लाह ताला उसके इस आजजी को देखते हुए उस पर इन राहों को आसान फरमा देगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस ज़मीन में फरमाते हैं, हकीकत में इस अमल की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इंसान का कौल और फ़ेल बाहम एक मुताबकत रखते हों। अगर उनमें मुताबकत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, अतामुरूना नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को तो नेकी का अमल करते हो मगर अपने आप को इस अमर नेकी का मुखातब नहीं बनाते बल्कि भूल जाते हो। इस ज़मन में जो एक तर्जमा बैन ही अरबी लोगों के मुताबिक है मगर अमूमन यहाँ बयान नहीं किया जाता, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तनसौना व तनसौना अनफुसकुम में अपनी जाने तो मुराद हैं ही, और अनफुसकुम से मुराद अपने अहलो अयाल भी हैं। और बैन ही अरबी लुगत के मुताबिक ये तर्जमा जायज़ बल्कि अहमियत रखता है। तो मुराद ये है कि तुम दुनिया की इस्लाह के लिए निकलोगे, अपनी इस्लाह ना करो, अपने बच्चों की भी ना करो, जो घर में तुम्हारे सामने तुम्हारी इस्लाह के लिए मुहैया हैं, तो किस मुँह से दुनिया के सामने निकलोगे। ये ख्याल एक झूठा और बातिल ख्याल है कि इसके बावजूद दुनिया तुम्हारी बात सुन लेगी और उस पर असर पड़ेगा। तो ये जो अनफुसकुम वाला दूसरा माना है कि तुम अपने अहलो अयाल अपने बच्चों को भूल जाते हो, ये वो माना है जो मैं मुसलसल बयान कर रहा हूँ और आपको खुसूसियत से इसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। एक और माना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया है, इसका यही मतलब है, खुदा ताला फरमाता है अतामुरूना नास बिलबिर व तनसौना अनफुसकुम, इसका यही मतलब है कि अपने नफ्स को फरामोश करके दूसरे के उयूब ना देखता रहे। अब ये ऐसा लतीफ़ माना है जिसका मेरे इल्म के मुताबिक किसी दूसरे मुफस्सिर को कभी ख्याल नहीं आया। नेकी का हुक्म देना तो साफ नज़र आ रहा है
मगर इसका ये नतीजा निकालना कि दूसरों के उयूब ढूंढता रहे, ये बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता है, जिसे जिस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने गहराई में डूब कर समझा है, आपको भी समझना चाहिए। दूसरे के अयूब को ना देखता रहे, बल्कि चाहिए कि अपने अयूब को देखे, क्योंकि खुद तो वो पाबंद इन उमूर का नहीं होता, इसलिए आखिरकार लिमा तकुलू न माला तफलून का मिसदाक हो जाता है। अगर अपने अयूब नहीं देखेगा तो अपने नफ्स को नेकी का हुक्म कैसे देगा? यह है बुनियादी बात। अपने अयूब की तलाश इस आयत का एक लाजमी हिस्सा बनता है। कोई शख्स अपने नफ्स को नेकी की तालीम नहीं दे सकता जब तक उसको मालूम ना हो कि किन किन बदियों का शिकार है। बदियों का इल्म ही नहीं तो नेकी की तालीम कैसे हो सकती है? नेकी का तो मतलब है बदियों को दूर करना। बदियां दूर होंगी तो नेकियों का सिलसिला शुरू होगा। साथ ही हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपनी बदियों की तलाश शुरू कर देता है वो दूसरों की बदियों की तलाश से पास आ जाता है। ये बहुत ही अजीम नफ्सियाती नुक्ता है जिसको बाज़ पहले लोगों ने अपने तौर पर कुरान करीम की आयत की तशरीह के तौर पर नहीं, अपने तौर पर पाया और इससे इस्तेफादा किया। मैं ज़िमन में बहादुर शाह जफर का एक शेर पढ़ के सुनाता रहा हूँ पहले भी। वो कहता है, ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर। और अपनी बुराइयों पर जो पड़ी, अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। कैसी गहरी फितरत की बात वो कर गया है। अपनी बुराइयों पर जब नजर पड़ी तो अपना वजूद गंदा दिखाई देने लगा, और उसके बाद गैरों के अयूब तलाश करने का हौसला ही बाकी नहीं रहता। ये वो नुक्ता है जिसे इस आयत से जोड़कर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खोलकर बयान फरमाया है। क्योंकि खुद तो वो पाबंद इन उमूर का नहीं होता, इसलिए आखिरकार लेमा तकुलून माला तफलून का मिसदाक हो जाता है। फिर उस पर इससे ज़्यादा सख्त फतवा कुरान करीम का जारी हो जाता है कि तुम क्यों ऐसी बातें कहते हो जो करते नहीं। इखलास और मोहब्बत से किसी को नसीहत करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन बाज़ वक्त नसीहत करने में भी एक पोशीदा बोझ और किब्र मिला हुआ होता है। इखलास और मोहब्बत से नसीहत करनी मुश्किल है। इखलास और मोहब्बत से नसीहत तभी हो सकती है अगर दिल का पोशीदा किब्र उठा के बाहर फेंक दिया जाए, और वो जो पोशीदा किब्र है वो अपने बुराइयों की तलाश किए बगैर नजर भी नहीं आता। ये सिलसिला है जो इसी तरह सिलसिलावार आगे बढ़ता है। तो अपने नफ्स के उयूब पर नज़र रखना, हमेशा उसकी तलाश रखना, इसके नतीजे में फिर नसीहत में बोझ का कोई पहलू बाकी नहीं रहेगा, और जब बोझ का पहलू नहीं रहेगा तो फिर सवाए हमदर्दी के कोई वजह नहीं होगी कि तुम नसीहत करो। और यही है जो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से चाहता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाए हमदर्दी है बनी नौ इंसान की किसी और वजह से नसीहत नहीं की। और पोशीदा बोझ और किब्र का जो जिक्र फरमाया मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, ये हर रोज़मर्रा के तजर्बे में दिखाई देता है। बच्चों से भी वो लोग जो सख्ती से बात करते हैं और सख्ती से रोकते हैं, अगर वो दिल को टटोल के देखें तो उसमें भी ये किब्र होता है। अपने बच्चे को सामने बेहकीर और बेताकत देख रहे होते हैं और समझते हैं कि हमें गलबा इन पर मिला हुआ है, और इस किब्र की वजह से उनको
उनकी नसीहत के अंदाज ही में ऐसी कड़वी बात दाखिल हो जाती है जिससे नसीहत बेकार जाती है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नसाए को बारीकी से पढ़ें और बारीकी से उन पर अमल करना सीखें। इसका लाजमी नतीजा, जैसा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया निकाला है, अगर खालिस मोहब्बत से वो नसीहत करते होते तो खुदा उनको इस आयत के नीचे न लाता। बड़ा सईद वो है जो अव्वल अपने अयूब को देखे, उनका पता उस वक्त लगता है जब हमेशा इम्तिहान लेता रहे। अब ये जो हमेशगी का इम्तिहान है, इससे पता चला कि कितना मुश्किल मौजू है। हमेशा इम्तिहान लेता रहे, सुबह शाम जो बात इंसान कहे या सोचे उसको परखे भी। और ये वो मुश्किलात हैं जिनके लिए इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात का हुक्म है। अगर सब्र के साथ और इबादत के साथ और दिन रात की दुआओं के साथ खुदा ताला से मदद नहीं मांगोगे तो बहुत मुश्किल काम है जिस तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रखो इस्लाह के लिए सब्र शर्त है। फिर दूसरी बात यह है कि तज़किया अखलाक और नफ्स का नहीं हो सकता जब तक कि किसी मुज़क्की नफ्स इंसान की सोबत में न रहे। अब जितने मुश्किल मुकामात की तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम बुलाते हैं, हमेशा बिला इस्तिस्ना उनका आसान हल भी तजवीज़ फरमा देते हैं। और उस आसान हल से वाबस्ता जो मुश्किलात हैं उनका भी आसान हल तजवीज़ फरमाते रहते हैं, यहाँ तक के वो आगाज़ जो बहुत मुश्किल आगाज़ था उस आगाज़ का अंजाम आसान बना देते हैं, ताकि जमात के हर छोटे बड़े को उस पर अमल करना आसान हो जाए। अब ये बात भी गौर से सुन लें कि इसको कैसे आसान बनाया। फरमाया, तज़किया अखलाक और नफ्स का मुश्किल काम है, हर रोज़ इम्तिहान लो। कैसे इम्तिहान लोगे, हर वक्त इन बातों की तरफ ख्याल रहेगा, इसके लिए ज़रूरी है किसी मुज़क्की नफ्स इंसान की सोबत में आना। खुदा ताला ने इस गरज से मुज़क्की बनाया हुआ है किसी को, और कुरान करीम ने वो मुज़क्की आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश फरमाया है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हमें मौजूद नहीं, लेकिन मुज़क्की फिर कैसे हुए, कैसे हम आपको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार कर सकते हैं। अगर सोबत इख्तियार करेंगे तो अज़ खुद तज़किया होना शुरू हो जाएगा। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक माना ये पेश फरमाया है कि वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से, आपकी नसाए से, आपके नेक अमल को देखकर अपना तज़किया एक हद तक कर लिया है, अगर तौफीक मिले तो उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से अपना तज़किया किया है। वो तज़किया याफ्ता लोग आपका तज़किया कर सकेंगे, और जो जो बातें मुश्किल दिखाई देती हैं आसान होती चली जाएंगी। लेकिन जिन मानों में मैं इस वक्त बात रख रहा हूँ वो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लम की सोहबत का मसला है। मेरे नज़दीक ये मुमकिन है, और इन सारे मसाइल का जिनका जिक्र गुजरा है बेहतरीन इलाज ये है। सोते जागते आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के जिक्र से आपकी सोबत इख्तियार करें। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, आपके एहसानात का तसव्वुर मानते हैं, तो एक सोबत है। और जब भी आप सोएं इसी सोबत में सोएं, इसके नतीजे में बद ख्यालात अज़ खुद भागेंगे।
इंदल बातिल काना जहूखा, उसको भगाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लम के तसव्वुर की सोबत हो और बदख्यालात वहाँ राह पा जाए, मुमकिन ही नहीं है कि बयक वक्त ये दोनों बातें इकट्ठी चल सकें। बस कितना आसान मसला है रसूलुल्लाह सल्लम की सोबत इख्तियार करना, और ये सोबत एहसानों को याद करके हो सकती है, वरना ये भी मुश्किल है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम पर एहसानात फरमाए हैं उनका तो शुमार मुमकिन ही नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी से छोटी बातों की नसीहत आपने पीछे कर दी, पीछे छोड़ दी, जिससे काया पलट जाती है इंसानी ज़िंदगी की। कई लोग जो दांतों की बीमारियों में मुबतला रहते हैं, आजकल के जदीद तरीन डॉक्टर भी उनका कोई मौसर इलाज नहीं कर सकते, जो गल गए दांत गल गए। लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी और इसी की नसीहत फरमाते थे कि हर नमाज से पहले अच्छी तरह मिसवाक करो। अगर 5 वक्त किसी को दांत साफ करने की आदत हो, और बच्चों को भी जब आप वुज़ू सिखाते हैं तो ये आदत डाल दें, तो कैसे मुमकिन है कि उम्र भर उनके दांत खराब हो, उम्र में किसी हिस्से में भी दांत खराब हो। हमारे वाकया ये है कि कोताहियों के नतीजे में इंसान की आदत न रही हो तो फिर जो दांतों पर बुरा असर पड़ जाता है वो एक अलग मसला है। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका मिसवाक की आदत से ताल्लुक नहीं, वो अंदरूनी बीमारियां हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों का जिक्र नहीं फरमा रहे, फरमा रहे हैं जो दांत तुम्हें खुदा ने दिए हैं, जिस हालत में दिए हैं, उनकी हिफाजत तो तुम पर फ़र्ज़ है। अगर अच्छे दांतों वाला 5 वक्त की इस आदत को अपना ले तो कभी उसके दांत ख़राब नहीं होंगे। चुनाचे मेरी मुलाकातों पे जो लोग आते हैं उनमें बाज़ दफ़ा नया दुल्हा नई दुल्हन बहुत खूबसूरत दांत हंसते हैं तो मोतियों की तरह दांत दिखाई देते हैं, उनको मैं ज़रूर नसीहत किया करता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई है और एक और नेमत भी दी है। दुनिया उससे एराज करती है लेकिन आपने एराज नहीं करना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस नेमत के सहारे इस ज़ाहरी नेमत की हिफाजत कर सकते हैं। आपने फरमाया है कि 5 वक्त मिसवाक किया करो, आजकल मिसवाक नहीं तो टूथपेस्ट हर किस्म की मौजूद हैं, अगर 5 वक्त करो तो सारी ज़िंदगी दांत साफ रहेंगे। और लोगों का ये ख्याल है कि उम्र के साथ ज़रूर झड़ते हैं, गलत है। उम्र के साथ जो अच्छे दांत जिनकी हिफाजत की जाए वो मज़बूत भी रहते हैं, क्योंकि दांतों की मज़बूती का ताल्लुक ये मसूड़ों की मजबूती से है। और जब आप उनको उनकी 5 वक्त सफाई करें तो जरासीम मसूड़ों को नरम होने ही नहीं देते, वो हमेशा ठीक रहते हैं। बस ये वो सोबत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक मामूली छोटी सी मिसाल मैंने आपके सामने रखी है इस सोबत के लिए, आपके नेमत होने का तसव्वुर उन रोज़मर्रा की नसीहतों में से अखज़ करें जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाई। जिस्म को पाक साफ रखना, हर किस्म की बदबू से दूर भागना, जिस्म की सफाई, इनमें से हर नसीहत एक बहुत बड़ी नेमत है और वो सारे बदन की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी बन जाती है। यहाँ तक नसीहत कि खाने से कब हाथ खींचना है और किन चीज़ों में तकल्लुफ़ नहीं करना, जो खाना है वो पाक, वो हलाल ही ना हो पाक भी हो। जब भी उसमें ये शुबा हो कि वो हलाल तो है मगर पाक नहीं रहा, उसे उठा के फेंक दो, या दोबारा इतना गर्म कर लो कि यकीन हो जाए कि वो नापाकी उसमें से मर गई है।
ये सिर्फ चंद छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनकी इनका हद व शुमार ही नहीं है। मैंने तो हमेशा इन छोटी बातों से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर बांधा और गौर किया तो हैरान रह गया कि कुल्लियतन सारी जिंदगी के लिए हम गुलामान मुस्तफ़ा आपके एहसानात के तले इतना दब चुके हैं कि कभी सिर उठाने की जरूरत ही नहीं कर सकते। जो सहाबा आपके सामने आवाज़ें नीची रखते थे, जो अदब से देखते थे, उनके मुतलिक याद रखें कि सिर्फ आवाज़ें ही धीमी नहीं रखते थे, नज़रें भी नीचे रखा करते थे। अब मैं खुतबा देता हूँ तो मुझे मैं देखता हूँ अक्सर लोग अपनी मोहब्बत की वजह से मेरी आंखों में आंखें गाड़ के देख रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम के वक्त ये तरीक़ नहीं था, उनको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी जो आपको मुझसे है, मगर अपनी आवाज़ें भी धीमी रखते थे और अपनी नज़रों को भी नीचा रखते थे। यहाँ तक के बाद सहाबा से जब रसूलुल्लाह सल्लम की विसाल के बाद पूछा गया कि उसकी शक्ल कैसी थी, धड़े मार मार के रोने लगे, ज़ारो कितार रोने लगे, इतना हसीन चेहरा था कि मैं चाहता भी तो नजर पड़ नहीं सकती थी। और फिर मोहब्बत और इश्क के तकाजे के नतीजे में मुझे जरूरत भी नहीं होती थी कि मैं घूर के देखूं, गौर से देखूं। अब मैं याद करता हूं और जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं बता नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लम के चेहरे की तफसील क्या थी। बस ये सारे वो आदाब हैं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखे हैं, अब इन पर गौर करें तो हमेशा हमेश के लिए आप इन आदाब के एहसान के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लम की तौकीर करते चले जाएंगे और आपकी अज़मत का तसव्वुर आपके दिल में बढ़ता चला जाएगा, अपने आप को हमेशा ज़ेरे बार समझेंगे। और ये वो सोबत है जिस सोबत का कुरान करीम ने जिक्र फरमाया कि ये मुज़क्की तुम्हारे लिए पैदा किया गया। इस मुज़क्की नफ्स की सोबत में रहो, अगर ये सोबत मिल जाए तो वो जो मसाइल पहले बयान किए गए हैं, ये करो और वो करो, वो तो बिल्कुल आसान और हर किस्म की मुश्किल से आज़ाद हो जाएंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक किसी मुज़क्की नफ्स इंसान की सोबत में न रहे, ये काम जिनकी तरफ मैं बुला रहा हूँ ये मुमकिन नहीं है। अव्वल दरवाज़ा जो खुलता है वो गंदगी दूर होने से खुलता है। अब गंदगी दूर कैसे होती है ये भी बड़ा दिलचस्प मज़मून है जो मसीह अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ाया है। जिन पलीद चीज़ों को मुनासिबत होती है वो अंदर रहती हैं। इंसान का दिल गंदगी से इसलिए भरा रहता है कि उनसे उसको एक मुनासिबत होती है, लेकिन जब कोई तरियाकी सोहबत मिल जाती है तो अंदरूनी पलीदी रफ्ता रफ्ता दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पाक सोहबत जब दिल में घर करती है तो पलीदी खुद ब खुद दौड़ती है। यानी ये मुराद नहीं है कि वो आके झाड़ू देते हैं आपके दिल को, आपके लिए गंदा काम भी गोया वो करता है। ये एक बहुत बारीक नुक्ता है। अगर दिल में किसी अजीम शख्स की मोहब्बत पैदा हो जाए और वो दिल में घर कर जाए तो उसके नतीजे में पलीदी उसे भागती है, उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे कुरान करीम ने जब ये फरमाया जाल हक व जहाकल बातिल इन्नल बातिल काना जहूका, तो यही नुक्ता है जो उसमें बयान फरमाया गया है। हक आ गया यानी वो एक माना उसका अजीम यह मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया, वज़ाक़ल बातिल आपके आते ही बातिल
ने दौड़ना शुरू किया। इन्नल बातला काना जहूका, क्योंकि उस बदबख्त के मुकद्दर में दौड़ने के सिवा है ही कुछ नहीं, वो उस मुकाम पे ठहर नहीं सकता जिस मुकाम पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागजी हो चुके हों। बस ये वो सोबत सवाल है जिसका मसीह मौऊद जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाते हैं रफ्ता रफ्ता तो अंदरूनी पलीदी रफ्ता रफ्ता दूर होनी शुरू हो जाती है होती है, क्योंकि पाकीज़ा रूह के साथ जिसको कुरान करीम की इस्तेलाह में रूहुल कुद्दस कहते हैं, रूहुल कुद्दस एक फरिश्ते का नाम भी बयान किया जाता है, मगर वो रूहुल कुद्दस जिसकी बात मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तसव्वुर है। कुरान करीम की इस्तेलाह में रूहुल कुद्दस कहते हैं ताल्लुक नहीं हो सकता जब तक के मुनासबत ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि यह ताल्लुक कब पैदा होता है, लेकिन आखिरी बात वही मिट्टी में मिल जाने वाली बात फरमा रहे हैं, खाक शो पेश अजां के खाक शवी, मिट्टी में मिल जाओ, पेशतर इसके कि वो वक्त आ जाए कि तुम्हें मिट्टी में मिला दिए जाओ, मजबूरन मिट्टी में मिल जाओ। उसका लफ्जी तर्जमा यही बनेगा कि मिट्टी में खुद मिल जाओ, पेशतर इसके कि तुम मजबूरन मिट्टी में मिल जाओ, मिट्टी में तो मिल नहीं है, उसे पहले पहले क्यों नहीं मिट्टी में मिलते। अपने आप को इस राह में खाक कर दे और पूरे सब्र और इस्तिक्लाल के साथ इस राह में चले, अगर आखिर अल्लाह ताला उसकी सच्ची मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा और उसको वो नूर और रोशनी अता करेगा जिसका वो जोया होता है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ और कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान क्यों दिलेरी करता है जबकि वो जानता है कि खुदा है। बस इन सब अमूर का एक लाजमी गहरा ताल्लुक हस्ती बारी ताला पर ईमान की हकीकत के साथ है, जिस गहराई के साथ ये हकीकत आपके दिल में जलवागर होगी उसी गहराई के साथ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहुल कुद्दस भी आपको अता होनी शुरू हो जाएगी। तश्तिनियों में आप फरमाते हैं नमाज और सब्र के साथ खुदा से मदद चाहो। नमाज क्या चीज़ है? वो दुआ है जो तस्बीह तहमीद तकदीस और इस्तिग़फ़ार और दुरूद के साथ तजर्रो से मांगी जाती है। तो जब तुम नमाज पढ़ो तो बेखबर लोगों की तरह अपनी दुआओं में सिर्फ अरबी अल्फाज के पाबंद न रहो, क्योंकि उनकी नमाज और उनका इस्तिग़फ़ार सब रस्में हैं जिनके साथ कोई हकीकत नहीं। इंसान को जो हुक्म अल्लाह ताला ने शरीयत के रंग में दिए हैं जैसे अकीमुस सलात नमाज को कायम रखो या फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, इन पर जब वो एक अरसे तक कायम रहता है तो ये अहकाम भी शरी रंग से निकल कर कौनी रंग इख्तियार कर लेते हैं और फिर वो इन अहकाम की खिलाफ वर्जी कर ही नहीं सकता। कौनी का एक मतलब है कायनात वसी तर दुनिया, और एक कौनी का मतलब है फितरत और जबिलत। तो फरमाया कि जब एक अरसे तक तुम ये काम करते रहोगे तो ये तुम्हारी जबिलत बन जाएगी, तुम्हारे इख्तियार ही में नहीं रहेगा कि इससे बाहर निकल सको। बस जबिलत बनाने के लिए जैसा कि मैंने अर्ज किया है ईमान की गहरी हकीकत नसीब होनी ज़रूरी है और खुदा ताला की हस्ती पर कामिल ईमान के नतीजे में आपके दिल पर वो नूर उतरेगा जिसे कुरान करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान फरमाया है, और उस नूर के साथ तमाम अंधेरों का दूर होना भाग जाना एक तबी और लाजमी हकीकत है। इसके साथ अगर आप रहें, इस हालत में आप रहें, तो ये आपकी जबिलत बन जाएगी, आपकी फितरत सानिया बन जाएगी, बल्कि फितरत उला हो जाएगी, दूसरी हर फितरत आपको सानिया दिखाई देगी। खुदा करे कि हमें इसकी तौफीक मिले
इसके बगैर जो अजीम तकाजे हमसे वाबस्त हैं उनके पूरा होना, उनका पूरा होना मुमकिन नहीं है। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر